आज हम बात करेंगे कि आंखों के नंबर कम या ज्यादा क्यों हो जाते हैं, आंखें कैसे काम करती है और आंखों के कौन कौन से भाग हैं और उनके क्या कार्य हैं, इस सब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर हम आंखों की बात करें तो ये पारदर्शी जेली मांसपेशियों और प्रोटीन से बनी होती है। अगर सबसे पहले आंखों के अलग अलग भागों की बात करें तो सूर्य की रोशनी कॉर्निया पर पड़ती है और उसी से रोशनी आयरिस पर पड़ती है। आयरिस सूर्य से आने वाली तेज किरणों को अब्सॉर्ब कर लेता है और आवश्यकता अनुसार रोशनी अंदर भेजता है और प्यूपिल की साइज को कम या ज्यादा होती है उसको कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर हम अब अगले पार्ट की बात करें तो अगला पार्ट प्यूपिल होता है। यह मांसपेशियों को बना होता है। अगर सूर्य का प्रकाश ज्यादा आता है तो प्यूपिल की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और अगर प्रकाश कम आता है तो यह फैल जाती है। इससे लेंस को कम से कम क्षति होती है तथा बाहर से आने वाली किरणें सिमट कर लेंस के ऊपर पहुंच जाती है। दोस्तों, अगले पार्ट की बात करें तो यह लेंस होता है। यह आंख का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन पर कार्य करता है। लेंस प्रकाश को सही बिंदु पर फोकस करता है तथा उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर भरा होता है और इसी तरह की वजह से लाइट का मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है और लाइट सीधी होती हुई रेटिना तक पहुंच जाती है। दोस्तों, लेंस और रेटिना के बीच में व्हाइट जेली भरा होता है जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। यह दोस्तों आंख को बॉल की तरह शेप देता है। इसकी अनुपस्थिति से आंख पिचक जाती है, जैसे एक बॉल से हवा निकाल देने पर वह पिचक जाती है। दोस्तों, विट्रियस ह्यूमर ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है और दोस्तों यह लेंस और रेटिना को पोषण प्रदान करता है। दोस्तों, अगर रेटिना की बात करें तो यह सेंसिटिव सेल से बना होता है और जब इस सेल पर लाइट पड़ती है तो यह सेल एक्टिवेट होकर लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और इसी सिग्नल को आई में मौजूद ऑप्टिक नर्व ब्रेन में ले जाती है और ब्रेन बाहर की दुनिया को एक क्लियर इमेज बनाकर दिखाता है। दोस्तों, अब अगर हम लेंस को शेप देने वाली सीलियरी मसल्स की बात करें तो यह मसल्स वस्तु की दूरी के आधार पर लेंस को शेप देती है। अगर वस्तु दूरी पर पड़ी है तो उससे आने वाली किरणें सीधी होगी जो लेंस पर फोकस होगी और उन्हें रेटिना पर फोकस होने के लिए लेंस को अपने शेप में ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। किंतु दोस्तों, वही अगर कोई वस्तु आंख के बिल्कुल पास में पड़ी है तो लेंस पर पड़ने वाली लाइट तिरछी पड़ेगी तो सीलियरी मसल्स द्वारा लेंस को पिचका दिया जाता है ताकि लेंस इन किरणों को आसानी से रेटिना पर मोड़ सके। तो दोस्तों, इसे हम इस डायग्राम द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर किन्हीं कारणों की वजह से आंखों के नंबर कम या ज्यादा हो जाते हैं तो आंखों के ऊपर चश्मा लगाया जाता है जिसमें कॉनकेव और कॉनवेक्स लेंस का यूज किया जाता है। दोस्तों, कॉनकेव लेंस का यूज मायोपिया के लिए तथा कॉनवेक्स लेंस का यूज हाइपर मायोपिया में करते हैं। मायोपिया में दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती है और हाइपर मायोपिया में पास की चीजें नजर नहीं आती है। दोस्तों, पास और दूर की वस्तुएं नहीं दिखने के कारणों की बात करें तो मायोपिया में दूर की चीजें नहीं दिखने के दो कारण हो सकते हैं। या तो लेंस नॉर्मल साइज से और अधिक कर्व या गोलाकार हो गया है या फिर आई बॉल की साइज बड़ी हो जाने से रेटिना फोकस से दूर चला गया है। इन्हीं कारणों की वजह से हमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। दोस्तों, वही अगर हम इसके विपरीत हाइपर मायोपिया में लेंस की बात करें तो इसमें लेंस पतला हो जाने से किरणें कम बेंड होती है तथा फोकस लेंस दूर शिफ्ट हो जाती है। इसके विपरीत हाइपर मायोपिया में पास की चीजें नहीं दिखाई देती है। हाइपर मायोपिया में बाहर से आने वाली किरणें फोकस बिंदु से दूर शिफ्ट हो जाने से प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लग जाता है। इसके भी दो कारण हो सकते हैं। या तो लेंस अपनी नॉर्मल साइज से पतला हो गया है जिससे बाहर से आने वाली किरण बहुत कम बेंड होती है, या फिर दूसरा कारण में लेंस का साइज तथा फोकस बिंदु सब अपनी सेम पोजिशन में है किंतु आई बॉल छोटा हो गया जिससे रेटिना फोकस बिंदु के पास आ गया है। तो दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से आंखों के अंदर हमें कम दिखाई देने लग जाता है। और दोस्तों, हमने इस वीडियो में आई के बारे में समझने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक